अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ ठीक हूँ। तो आज की मेरी रेसिपी है हैदराबादी तला हुआ गोश्त। तो ये है 500 ग्राम गोश्त है, इसको अच्छी तरीके से मैं वॉश करके रख दी हूँ। तो चलिए जी, पहले मैं गोश्त को अच्छा सा मसाला लगा के इसको गलने के लिए चढ़ा दूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून है, हल्दी 1/4 टीस्पून है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं चटपटा सा गोश्त, तो इसमें मिर्ची डालूंगी 1 टीस्पून फुल। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी मसालों को। तो चलिए जी, यहाँ पर मैं मसाला अच्छी तरीके से मिक्स कर चुकी हूँ। अब मैं इसको गलने के लिए प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए, प्रेशर कुकर में मैं गोश्त डाल दी हूँ। इसके अंदर डालूँगी 1/2 ग्लास पानी। तो यहाँ पर देखिए, गलने के लिए मैं इसको रख दी हूँ। इसको 3 सीटी के बाद मैं फिर आपको बताऊँगी। तो चलिए जी, यहाँ पर 3 से 4 सीटी हो गए हैं। अब कर दूंगी मैं फ्लेम को ऑफ और खोल के आपको बताती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए, गोश्त अच्छी तरीके से गल गया है। थोड़ा सा पानी है, ये पानी को मैं सुखा दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार इसको ज़रूर बनाना। तो चलिए जी, यहाँ पर इसका पानी जो है सूख गया है। अब इसको करते हैं फ्राई करने की तैयारी। तो यहाँ पर ली हूँ मैं 1 मुट्ठी कोतमीर, ये है 3 हरी मिर्ची, इस तरीके से कट करके रख दी हूँ। ये है करियापक, 1 मुट्ठी करियापक है ये। तो चलिए जी, यहाँ पर तेल हो रहा है गरम। तेल ली हूँ मैं 100 ग्राम। उसमें डालूंगी करियापक, जो हरी मिर्ची बताई थी मैंने। तो चलिए जी, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, जब तक मैं इसको फ्राई करते रहूँगी। इसको 10 से 15 मिनट होते, तो इसी तरीके से जो है मैं इसको चलाते रहूँगी। तो चलिए जी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त था ये हमारा हैदराबादी तला हुआ गोश्त, हो गया है एकदम रेडी। तो चलिए इसको करते हैं डिश आउट। आज की मेरी यही रेसिपी थी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पे देखिए, गोश्त भी अच्छी तरीके से गल गया है।